Welcome to Campus Purwa. Today we're going to Ravenwood International School, Sito Road, Abohar. Mission of the school is to give the kids the sky to fly like a free-spirited bird, the freedom to see and understand the sky, earth and everything in between through their own vision. And by inspiring, helping every student to evolve into the best version of oneself, become self-reliant and rise to become a strong, enlightened leader who the world looks up to for its well-being. Rohit Verma is the co-founder and CEO of the school, and he is very hardworking. There are so much facility in the school: design and innovation lab, robotics, coding, artificial intelligence, ARM, VR, sports academy, cricket, basketball, volleyball, badminton, table tennis, chess, carom, theme-based park, science park, math park, and children park, and also art and craft studio with extended faculty to the community. The staff of the school is very experienced. Our team talked to the co-founder and CEO Rohit Verma, and he told us about the Ravenwood International School, Abohar. So let's visit Ravenwood International School, Sito Road, Abohar. Very good morning, everyone. Welcome to our summer camp, Ravenwood International School. Come, I'll show you the things what we are doing in the school. See, we have a different age group, wherein like we are doing activities from age group to 6 to 12, wherein like we are doing Zumba, aerobics, dance. There are so many activities, water activities also there. Even for the small kids, हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी है. छोटे बच्चों की एज ग्रुप हमने रखी है 2.5 से 5 ईयर्स तक, जिसमें हम बीच डे करवा रहे हैं बच्चों को, नेचर के डे करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, फ्लेमलेस कुकिंग करवा रहे हैं. इवन हम बच्चों को मॉडलिंग भी सिखा रहे हैं. मॉडलिंग क्या, जैसे हम क्ले से बच्चा कुछ भी क्रिएटिविटी अपना दिखा सकता है. सर, हम एजुकेशनिस्ट जो भी सेवा दे रहे हैं, स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, नेशन को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? साथ में आप लोग विद्या का दान दे रहे हैं और साथ में नेशन को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? सर, मैं ये मानता हूँ कि 1/140 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय आप हैं. मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूँ, आप एक अच्छा इंसान बन सकें. मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकूँ और आप अपने काम में विवेकशील बन सकें, तो हमारे हिस्से का भारत बनना शुरू हो जाएगा. ये जो आयोजित किया गया है समर कैंप, जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी के साथ, कोई बच्चा क्ले मॉडल बना रहा है, कोई बच्चा फूड आइटम्स बना रहा है, तो अलग अलग तरह की जो है यहाँ पर क्रिएशंस हो रही हैं. क्या कहना चाहेंगे कि समर कैंप लगा हुआ है, बच्चों में बहुत उत्साह है और वो आना चाहते हैं कि हम लोग रोज़ हमने स्कूल जाना है, क्योंकि छुट्टियों में आमतौर पर देखा गया कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में स्कूल को प्रेफर नहीं करते, लेकिन आपने समर कैंप में ऐसी जो है आपकी एक्सटेंट है जिसके साथ कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का दिल कर रहा है स्कूल आने को. जी हाँ, अभी समर कैंप से पहले एग्ज़ाम हुआ था. एग्ज़ाम में एकेडमिक रिगर होता है और उसके बाद में बच्चों को कूल डाउन करने के लिए हमने समर कैंप का आयोजन किया. इस समर कैंप के अंदर हमारा दिन शुरुआत होता है योगा से, जिसमें हम ईश्वर का स्मरण करते हैं और हम तरह तरह के आसन कर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. और फिर उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, जैसे कि आपने बताया आर्ट के बारे में. आर्ट्स के अंदर हम स्कल्पचर्स बच्चों को करवाते हैं, हम बच्चों को पेंटिंग करवाते हैं. वही जैसा मैंने कहा कि हर बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट होता है. हम चाहते हैं कि माइकल एंजेलो पिकासो की परंपरा को कोई आगे बढ़ा सके और कोई एक नया माइकल एंजेलो पिकासो हिंदुस्तान से पैदा हो. यहाँ पर हम रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, सर्किट्री जैसा एक्सपोजर सभी बच्चों को देते हैं. और फिर म्यूज़िक, डांस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कुकिंग जैसी
ट्रेड्स को हम और बढ़ावा देते हैं।